छत्तीसगढ़ में पंचायत चुनाव चल रहे हैं। पंचायत चुनाव के कवरेज के दौरान हम गठुला, बघेरा, मुढ़ी पर और कई गांव पहुंचे। बातचीत के दौरान हमें वोटरों ने कहा कि चुनाव में शराब और साड़ी बांटना चुनाव की परंपरा हो गई है, चुनाव बिना पैसे के नहीं जीता जा सकता। एक तरफ हमें ऐसा भी गांव मिला जहां बैठक कर मतदाता फैसला करते हैं कि चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशी से पैसा साड़ी शराब नहीं लेंगे, ईमानदार समझदार प्रत्याशी को जिताएंगे। पब्लिक प्रेस पार्टनर न्यूज से देवाशीष और DNX मीडिया से सुरेंद्र गुप्ता की रिपोर्ट। यहाँ पे ग्रामीणों ने वोट डाला है और आप सबकी उंगलियों को देख सकते हैं, ये सबकी उंगली में काला निशान दिख रहा है। इनने अपने इस काले निशान से अपनी सरकार बनाई है, आप देख सकते हैं। ये देखिए ताला लग गया और यहाँ लड़ाई चल रही है, इन लोग अंदर जाना चाह रहे हैं, ये पुलिस रोक रही है इनको। हमारे साथ कुछ युवा हैं जो पहली बार अपनी सरकार बनाने के लिए वोट डाले हैं और अभी इनका मूछा भी ढंग से उगा नहीं है और इनको वोट का अधिकार मिल गया है। बताइए क्या लग रहा है पहली बार वोट डाल के? पहली बार वोट डाल के रात को नींद आई कि नहीं आई? रात को नींद नहीं आया, हम लोग तो पूरा रात भर पूरा पहरा देके जगे नहीं, हुए नहीं, हैं। लेकिन पहली बार निशान लगने वाला था। हाँ। आपकी उंगली की मांग भरने वाली थी पहली बार है ना, तो क्या लगा? वोट डाल के बहुत अच्छा लगा। गाँव का थोड़ा सरपंच वर्चपर बनाना पड़ेगा, गाँव की देखभाल जो भी जरूरत है, दंगा फसाद सब रोकने के लिए अच्छा सा सरपंच चुनना पड़ेगा जो भी है। लेकिन सरपंच चुनाव में अभी आपसी विवाद ज़्यादा हो रहा है, वो भी बचाने की कोशिश भी किए हैं। अच्छा ये पूछ रहा हूँ आपसे एक बात, थोड़ा सा हटके, अगर सरपंच प्रत्याशी या जिला पंचायत प्रत्याशी जिसकी तनख्वाह 5,000 रुपया है वो 20 लाख रुपया खर्चा करेगा चुनाव में, तो फिर जो ऐसे में तो गांव का विकास नहीं हो पाएगा। ईमानदार प्रत्याशी को ही वोट करना है जो दारू वारू नहीं पिलाया, साड़ी नहीं बांटे, है ना, यही है ना। हाँ। बताओ कितने लोग ने दारू बांटी? नहीं, किसी ने नहीं बांटी, पक्का? किसी प्रत्याशी ने? बहुत तो ईमानदार प्रत्याशी को वोट किया है ना आप लोग। हाँ। तो एकदम उसको ठोक बजा के उसके मदों का पूरा उपयोग करना विकास कार्य में। ठीक है भैया, ठीक है। नाम बताइए। भरत सिंह। बता दीजिए। विश्वनंद। चेतनी साहब। आप भी बता दो यार। रामेश्वर दास। आप? अरे सर बता दो। भरत निषाद। सूरज कुमार साहू। टुमन साहू हैं। इनने आज पहली बार वोट किया है, पहली बार उंगली की मांग भरी है। कुछ यहाँ पे वोटर हैं जो बूथ के बाहर हैं। आपने वोट दे दिया? हाँ दे दिया। मत का अधिकार को उपयोग किया? बिल्कुल उपयोग किया। गाँव की सरकार। अब की बार लोग पसीने को वोट दे रहे हैं कि पैसे दे रहे हैं, पहला सवाल? नहीं वैसे तो क्या है, पैसे को वोट तो हमेशा चलते रहेगा, तो कभी खेल कम ख़त्म होगा नहीं, फिर भी कहीं ना कहीं मेहनत बहुत काफ़ी मायने रखता है। रुझान देखिए, एक आपसे मैं उसमें सवाल कर रहा था, अगर पार्षद चुनाव या पंचायत चुनाव में एक प्रत्याशी 20 लाख खर्चा करेगा जिसकी तनख्वाह 7,000, 8,000, 5,000 है, आप पूरा साल का भी जोड़ोगे तो 20 लाख रुपए नहीं पूरा कर सकता, तो सेवा कैसे करेगा? नहीं तो सीधी सी बात है ना, लोग क्या है देखो, स्वतंत्र रूप से जाकर के अपना मत का प्रयोग नहीं करते हैं, इसलिए पैसे का बात आता है। हाँ। अदरवाइज पैसे का बात तो आता नहीं। आप चूंकि वो खर्चा कर रहे हैं तो निकालेगा कहाँ से निकालेंगे? तो आप लोग ऐसे प्रत्याशियों को क्यों नहीं सामने लाते जो मेहनत से और ईमानदारी? आना नहीं चाहते क्योंकि आज वैसे ही सिस्टम चल चुका है ना कि लोग पैसा खर्चा करते हैं। सिस्टम सुधारना पड़ेगा। नहीं सिस्टम कहाँ से सुधरेगा, क्योंकि ऊपर ये सिस्टम कैसे बिगड़ता है? ये सिस्टम ऐसे बिगड़ता है कि हम पहले प्रत्याशी जो है 20 लाख खर्चा करके आता है, अब वो 20 को 80 लाख करता है। नहीं आप सुनिए ना, सुनिए। उसके बाद अभी आप किसी भी विभाग में ठेकेदारी करिए, सबसे पहले 22 से 25% तनख्वाह लग जाती है, कमीशन लग जाती है, क्योंकि ऊपर का जो प्रत्याशी रहता है वो पैसा खर्च करके आया रहता है। 25% स्वाभाविक है, जब आप कमीशन दे दोगे और 25%
वो कमाएगा ठेकेदार, तो बचा कितना 50%, यानी जो रोड 10 साल चलने वाली है वो 5 साल चलेगी। तो मेरा एक सवाल है कि जनता इस इंटरव्यू के माध्यम से, मैं अगले चुनाव को याद कर लूँगा, अभी तो हो गया, मैं लड़ ही रहा हूँ इस बात पे, हम मैं रोज़ वायरल कर रहा हूँ, तो ऐसा जनता कब समझदार होगी? आप लोगों को, आप समझदार लग रहे हो, कब समझेगी कि अच्छे ईमानदार प्रत्याशी आना चाहिए, कि हमारे टैक्स का 80% पैसा काम पे खर्चा होना चाहिए? नहीं देखिए, ठीक बात है, जहाँ तक सवाल है पैसा खर्चा नहीं करने का, तो क्या है, देख कहीं ना कहीं कोई ना कोई स्तर में ऊपर के जो रैंक के जो लोग हैं, जो ऊपर में बैठे हुए हैं, उन लोग वहाँ से उकसाते हैं उनको कि भाई आप जब तक, आप एक ईमानदार आदमी को देख लीजिए कहीं भी, किसी भी पंचायत में, किसी भी क्षेत्र में, वो आदमी को लोग क्या समझते हैं, अच्छे उसके स्तर को समझते हैं कि नहीं, चलो ठीक है ये व्यक्ति बहुत अच्छा है, ईमानदार है, काम करने लायक है, बट उनको क्या है उस स्टेज में पहुँचने नहीं देते हैं ना, कौन लोग नहीं, तो ऊपर में तो हम लोग को ही करना पड़ेगा, हम लोग को ही प्रयास करना पड़ेगा। वो ठीक बात है, संयुक्त प्रयास करेंगे, हम लोग करेंगे, सब लोग मिलके ही करते हैं, पर सवाल यह है कि उसको उस स्तर तक पहुंचने के लिए उसको जगह चाहिए कि नहीं चाहिए? उसको जगह तो मिलना चाहिए ना, उसको जगह दिया नहीं जाता है, और उसमें से कौन है, आम पब्लिक भी है उसमें, आम पब्लिक कहीं भी मतलब उसको सपोर्ट कहीं ना कहीं स्तर में सपोर्ट करना चाहिए उनको, उनको उससे सपोर्ट नहीं मिलता है, इसलिए मजबूर होकर के वो पैसे की ओर जाता है, और तब जा करके माहौल जो स्थिति है जो बिगड़ते हुए ऐसे स्थिति में आगे। चलिए, पंचायत सरकार का महापर्व है, नाम बताइए। भूषण दास साहू। चलिए साहू जी, बात करने के लिए धन्यवाद। ठीक, क्या क्या कहना है आपका, कैसा होना चाहिए प्रत्याशी? प्रत्याशी अच्छा होना चाहिए। रोड के लिए 2 लाख रुपया आया, तो उसमें कितना खर्चा होना चाहिए? कौन सा रोड मान लीजिए रोड के लिए पैसा आया, तो रोड के लिए पूरा पैसा लगना चाहिए। लेकिन यहाँ तो शराब लेके आदमी वोट बेच देता है, फिर प्रत्याशी उसको वसूलता है, कैसे होगा ऐसे में? भैया वही तो अपन ढिलाई है ना, जनता की ढिलाई है ना। हाँ भाई, पहले वो आए तो हम उसके प्रति मांग कर रहे हैं, और उसमें साजन के रूल आता है, उसको हमारे जनता तक पहुंचा नहीं पाते, बस पियो खाओ। नाम बताइए। टेक राम साहू। इसके बारे में मेरे नहीं, दूसरा बोलो, युवा प्रत्याशी होना चाहिए। नहीं, मेरे को बोलने नहीं आता नाम। हाँ बताइए, आप भी बताएंगे अपना विचार। क्या चीज़ बोले सर, क्या पूछ रहे हैं आप? 5 लाख रुपए आएगा। हाँ, रोड बनाने के लिए या नाली के लिए? जी। तो उसमें कितना खर्चा होना चाहिए? खर्चा तो पूरा होना चाहिए, लेकिन 30-40% तो कमीशन में चले जाता है। वो तो सिस्टम है ना सर। तो सिस्टम आप ये बताओ, आज हमारे पास मोबाइल में पूरी दुनिया का विकास है, कैसी रोडें हैं वहाँ, कैसा वहाँ का तो विकास है, तो हम ऐसा क्यों कर रहे हैं? भारतीय ऐसा ऊपर से नीचे तक सब सिस्टम में घिरा हुआ है, और कमीशन से छोटे चपरासी से लेकर बड़े अधिकारी तक वो कमीशन के चक्कर में सब कम हो जाता है, और यहाँ जो पंचायत में पैसा आएगा तो हमको पता थोड़ी चलता है, ये तो सरपंच और पंच के बीच में रह जाता है, कितना पैसा खर्चा हुआ, क्या हुआ, जो बताएंगे उसमें हम लोग मानते हैं, बताएंगे आपको है ना, कितना क्या किया है हमको थोड़ी मालूम रहता है। अगली बार हम आएंगे तो जो भी काम होता रहेगा उसका हम आपको डाटा दे देंगे, ये इतना लोहा लगना चाहिए, इतना सीमेंट लगना चाहिए। यहाँ कोई देखने वाला नहीं है सर, अपने यहाँ सामने डैम बना, 2-2.5 करोड़ का डैम बना, कोई कितना राड लगा है, कितना पतला डैम में मोटा से मोटा राड लगना था, यहाँ किसी का 3 गांव का वहाँ वो है न, बरगही पंचायत का कोई सरपंच आके देखा, न ये गठला सरपंच देखा, और आज उसकी स्थिति जो है आज उखड़ने लायक हो गया, 2 साल नहीं चला उखड़ गए, यही गठला में आगे डैम बना हुआ है, रोड का जो यहाँ से जो रोड बनाए हैं 5 साल का, कौन से साल में बना है ये? लगभग 2-3 साल पहले बना है। अपना नाम बताइए। कौशल साहू। और रोड जो बना है यहाँ पे, नहीं मैं चुनाव के बाद आऊँगा, आज तो उतना वो समय नहीं है, चुनाव के बाद आऊँगा। कौशल जी नंबर लिख लीजिए, जरूर आऊँगा। अभी हम यहाँ पे बात कर रहे थे कि चुनाव के बाद कितना पैसा आएगा और कितना पैसा लगेगा। पब्लिक प्रेस से देवाशीष, DNX से सुरेंद्र देव, दोषी अपने अपने काम सब देखते हैं। हाँ हाँ, देवाश मीडिया ई बिजनेस कॉन्सेप्ट ज्वाइन करें हमारे 9200013100 व्हाट्सएप ज्वाइन करें, नाम जिला प्रदेश बताएं, समझने के लिए कॉल करें 9300076626 हमारा फेसबुक पेज ज्वाइन करें, पब्लिक प्रेस पार्टनर यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, पब्लिक प्रेस मीडिया ई बिजनेस कॉन्सेप्ट के साथ पब्लिक प्रेस का मालिक बने, पत्रकारिता करें, मीडिया ई बिजनेस के साथ प्रेस और पत्रकारिता को स्वतंत्र करें, मीडिया लागत निकाले, मीडिया ई बिजनेस के साथ व्यापार करें, यूट्यूब लिंक नहीं खुले तो